सो गाइस, ये जस्ट एक ट्रेलर वीडियो है BTTH के नेक्स्ट एपिसोड का, जिसमें हमें दिखाया जाएगा कि आने वाले न्यू एपिसोड में हमें किस तरीके की स्टोरी लाइन और किस तरीके का फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब फाइनली शाओयान ने अपने भाई शाओली के पास में पहुंचकर उसकी जान बचा ली थी, क्योंकि वहां पर फैन लाओ ने उसकी बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। इसीलिए शाओयान वहां पर जाकर उसको बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है, यहाँ तक कि वो उसको खत्म भी कर देता है। उसने ब्लैक अलायंस टीम के लोगों से ये भी कह दिया था कि अब तुम लोग यहाँ से जाकर हान फेंग को ये बता देना कि 2 दिन के बाद मैं उससे मिलने के लिए आऊंगा। शाओयान जिस दिन उससे मिलने के लिए जाएगा वो उसकी मौत का दिन होगा। इसके बाद फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब शाओयान ब्लैक अलायंस के हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा था, जहाँ पर हमला करने के लिए वो अकेला तो जा नहीं रहा था बल्कि अपने साथ में इनर कोर्टयार्ड के काफी सारे स्टूडेंट्स और काफी सारे वॉरियर्स को भी ले जा रहा था, जहाँ पर उसके सबसे बड़े सपोर्टर होते हैं एल्डर शू, क्योंकि वो उन्हीं के साथ में जाते हुए उन्हें सारी की सारी चीजें भी बता चुका है। इसीलिए हमें सबसे पहले वहाँ से जाते हुए काफी सारे उड़ते हुए जहाजों को दिखाया जाता है, जहाँ पर सबसे आगे होते हैं शाओयान और एल्डर शू। शाओयान एल्डर शू से कहता है कि पिछली बार तो हान फेंग हमारी कुछ गलतियों की वजह से भाग निकला था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हमें कुछ भी करके अपने सबसे बड़े दुश्मन हान फेंग को तो खत्म करना ही है, जिसमें मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो एल्डर शू भी उससे कह देते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद करूंगा और मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ जान भी चुका हूँ, जिसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर वो क्या बातें हैं। और फाइनली शाओयान अपने एल्डर्स के साथ में फाइनली उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पर ब्लैक अलायंस की पूरी टीम रहा करती थी। यहां पर तो उन लोगों ने अपना पूरा साम्राज्य ही खड़ा करके रखा हुआ है, लेकिन शाओयान के वहां पर पहुंचने से पहले ही हान फेंग तो उसे लड़ने के लिए पहले से ही तैयार था, क्योंकि उसको पहले ही पता चल चुका था कि शाओयान मैग्मा वर्ल्ड से बाहर आकर उसने सबसे पहले अपने भाई को बचाया और फेन लाओ को भी खत्म कर दिया। इसीलिए वो शाओयान के साथ साथ पूरे इनर कोर्टयार्ड से बदला लेना चाहता है, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि शाओयान यहाँ पर अकेला नहीं बल्कि अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ में आया है, जिसमें एक से बढ़कर एक गॉड लेवल के वॉरियर्स भरे पड़े हैं। जिसके बाद फिर फाइनली यहाँ पर उन सभी के बीच में एक काफी गजब की फाइट भी होने लगती है, जहाँ पर शाओयान अपने साथियों की मदद से ब्लैक अलायंस की टीम के ऊपर टूट पड़ता है। साथ ही साथ जहाजों में भरकर जिन लोगों को लाया गया था अब वो भी नीचे की तरफ आने लगते हैं, क्योंकि उनको भी तो फाइट करने के लिए ही लाया गया है। उन लोगों के मन में भी ब्लैक अलायंस की टीम को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि जितनी बार भी इनर कोर्टयार्ड से लोगों को इन्हें ढूंढने के लिए भेजा गया उन सभी को खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से ये सभी के सभी अपने गुस्से को दिखाते हुए ब्लैक अलायंस को मारने लगते हैं। लेकिन हान फेंग ये सब कुछ अपनी आंखों से ही देख रहा था और उसके मन में पहले के मुकाबले शाओयान के लिए और भी ज्यादा गुस्सा भर चुका है। इसीलिए वो उसको मारने के लिए अपनी मल्टीपल स्पॉट टेक्निक के साथ साथ अपनी पर्पल फ्लेम को भी कम्बाइन कर देता है, जिसकी वजह से ये टेक्निक और भी ज्यादा डेंजरस हो चुकी थी। लेकिन अभी उसे इसके बारे में पता नहीं होता कि शाओयान किस लेवल पर पहुंच चुका है, क्योंकि अब वो उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी स्पॉट को निकालता है, जिसके ऊपर ग्रीन फ्लेम के साथ साथ अपने फॉलन हार्ट फ्लेम के पावर्स को भी एक्टिव कर लेता है, जिससे कि उसकी ये स्वॉर्ड पहले की तुलना में और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। जिसके बारे में हान फेंग को जैसे ही पता लगता है वो अपनी और भी ज्यादा पावर को यूज करने लगता है, जिससे कि फिर अब वो दोनों ही अपने अपने सबसे ज्यादा पावरफुल स्लैसिंग अटैक्स को एक दूसरे के ऊपर करने लगते हैं। और जब ये दोनों ही एनर्जी एक दूसरे के साथ में टकराती है तो हमें एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट देखने को मिलता है, क्योंकि हान फेंग को तो केवल यही लग रहा था कि ये अभी वही पुराना वाला शाओयान है, लेकिन वो इस बात को भी अभी तक नहीं भूला था कि उस पुराने शाओयान ने भी उसको हरा दिया था, जब उसने अपने पूरे शरीर की एनर्जी को लगाकर एंग्री लोटस बुद्धा को यूज किया था। क्योंकि इस बार अब उस पावर क्लैशिंग के बाद में हमें शाओयान के हाथों में उस एंग्री बुद्धा लोटस को भी दिखाया जाता है, जो कि पहले की तुलना में अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जिसके बारे में हान फेंग ऑलरेडी जानता था कि इसकी पावर्स कितनी ज्यादा है। इसीलिए उसके गुस्से के साथ साथ उसकी टेंशन भी बढ़ जाती है कि इस बार अब वो शाओयान से कैसे निपटेगा, उसको कैसे हराएगा, क्योंकि उसके लिए इस पावर का मुकाबला करना तो छोड़ो, इससे बचना भी मुश्किल होने वाला है। शाओयान के चेहरे पर हमें कोई भी एक्सप्रेशन दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसके मन में तो केवल एक ही गुस्सा भरा हुआ था कि उसे कुछ भी करके हान फेंग को खत्म करना है, चाहे वो कैसे भी हो। इसका जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो और भी ज्यादा गजब का होगा, क्योंकि उसमें वहाँ पर शाओयान की मदद करने के लिए आ जाएगी क्वीन मेड्यूसा, और वो ऐसा क्यों कर रही है इसके बारे में तो केवल व्यूअर्स ही बता सकते हैं। आप लोगों के जो ओपिनियन है वो मुझे कमेंट में जरूर से बताएं। इसी के साथ में ये ट्रेलर वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाती है।